दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल के बारे में। ये बात बिल्कुल सच है कि जंगलों के अंदर ही हमें प्रकृति का सौंदर्य देखने को मिलता है और जिस वजह से लोग अक्सर ही मन की शांति के लिए जंगल की सैर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि दुनिया के हर एक जंगल में आपको मन की शांति मिल जाएगी तो ये बात 100% गलत है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे खतरनाक जंगल भी मौजूद हैं जिसके अंदर जाने पर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले एक समय ऐसा था कि ये पूरी संपूर्ण धरती ही जंगल और समुद्र से ढकी हुई थी, और फिर उसके बाद इंसानों की आबादी जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे जंगल भी कटते गए और जंगल का क्षेत्र भी सीमित होने लगा। लेकिन फिर भी खुशी की बात यह है कि आज भी धरती पर करीबन 50% से ज्यादा जंगल और पशु पक्षियों का राज है। यदि आप किसी एडवेंचर को पसंद करते हैं और जोखिम उठाने का शौक रखते हैं तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक जंगल में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे आपके सपोर्ट की सख्त से सख्त जरूरत है, इस वजह से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, क्लाउड फॉरेस्ट। साउथ अमेरिका में स्थित इस जंगल का पूरा नाम है मिंडो क्लाउड फॉरेस्ट। ये लगभग 192 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ये जंगल हमेशा से ही बादलों से घिरा रहता है और पूरे वर्ष ही यहाँ पर बारिश होती रहती है, और जिस वजह से इसे रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और इसी कारण ही ये जंगल जलीय जीव जंतु से भरा होता है और जो कि इंसानों के लिए बेहद ही खतरनाक है। अमेजोन के जंगलों से ये जंगल सिर्फ कुछ ही दूरी पर है। यहाँ पर करीबन 1600 से ज्यादा पक्षी रहते हैं। यहाँ पर मेंढकों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पर हमेशा से ही बादलों के होने के कारण से ये जंगल एक स्वर्ग की तरह भी लगता है। यहाँ पर पूरे साल बारिश होती रहती है और जिस कारण यहाँ पे हमेशा से ही पानी भरा रहता है। नंबर 9, किनाबालू फॉरेस्ट। ये जंगल मलेशिया में स्थित है और ये करीबन 754 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। इस भयानक जंगल में करीबन 5000 से भी ज्यादा प्रजाति के जीव मौजूद हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरे हुए इस जंगल में कई सारे खुखार और खतरनाक जानवर रहते हैं। ये जंगल डिज्नीलैंड पार्क की तरह खूबसूरत है, लेकिन उतना ही भयानक भी है। और यही नहीं, यहाँ पर हमेशा पर्यटक आते जाते रहते हैं, और ये भी कहा जाता है कि दिन के दौरान ये जंगल जितना ज्यादा खूबसूरत होता है, रात के समय में उतना ही ज्यादा भयानक रूप ले लेता है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप बहुत ही रोमांचित तो हो जाएंगे, लेकिन अगर गाइडलाइंस के खिलाफ जाएंगे तो ये जंगल आपके लिए बहुत ही भयानक भी साबित हो सकता है। नंबर 8, डाइन ट्री फॉरेस्ट। ऑस्ट्रेलिया में स्थित ये जंगल जितना ज्यादा खूबसूरत नजर आता है, उतना ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये जंगल दुनिया के सबसे खतरनाक पौधों और वृक्षों का घर है। यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियों के जीव जंतु रहते हैं। 1200 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए इस जंगल में तितलियां, चमगादड़ और हजारों तरह के कीड़े रहते हैं, इसीलिए इसे दुनिया का सबसे पुराना जंगल कहा जाता है। दुनिया भर से लोग इस जंगल को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर डर और रोमांच का एक अनोखा मिश्रण है, और इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की सरकार इस जंगल में घूमने के लिए टूरिस्ट पर टिकट चार्ज करती है। नंबर 7, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। वैसे तो चीन में बहुत ही सारे जंगल हैं, लेकिन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात ही कुछ अलग है। ये जंगल करीबन 2402 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस जंगल में लगभग 3000 से भी ज्यादा पेड़ पौधों और जानवरों के प्रकार पाए जाते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दक्षिण अफ्रीका के जल संतुलन में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का 50% से भी ज्यादा योगदान है। यहाँ पर घूमना जितना ज्यादा रोमांचक है, उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। नंबर 6, सुंदरबन फॉरेस्ट। भारत और बांग्लादेश के बीच फैला हुआ ये जंगल सुंदरता के साथ ही बेहद ही खौफनाक है। ये जंगल दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर आपको बहुत से टाइगर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपके ऊपर कब और कहाँ से टाइगर या कोबरा हमला करते हैं, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। ये जंगल करीबन 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस जंगल में सिर्फ टाइगर ही नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक कोबरा और कई अन्य जानवर पाए जाते हैं। खतरे के साथ ही गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा होने के साथ ही इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं।
यही कारण है कि पूरे विश्व में ये जंगल एडवेंचर के लिए एक आदर्श स्थान है। और तो और सफेद रंग का बाघ केवल सुंदर वन में ही पाया जाता है। नंबर 5, टोंगास फॉरेस्ट। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जंगल करीबन 68,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी कि श्रीलंका से भी बड़ा क्षेत्र इसने अकेले ही घेर रखा है। नॉर्थ अमेरिका के अलास्का में फैले इस जंगल में बहुत से खतरनाक पशु पक्षी रहते हैं। सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ पर आदिवासियों के 32 समूह के करीबन 75,000 से भी ज्यादा आदिवासी रहते हैं, जिनसे बच के रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस जंगल के रोमांच को देखने के लिए हर वर्ष करीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक आते हैं। नंबर 4, वर्ल्डिवियन फॉरेस्ट। साउथ अमेरिका में लगभग 2,48,000 किलोमीटर के वर्ग में फैले इस जंगल को रेन फॉरेस्ट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ष लगातार बारिश होती रहती है। बारिश के कारण जहाँ पर ये जंगल लाखों कीड़े मकोड़ों का घर बन गया है, वहीं पर ही यहाँ के जंगल बहुत ही ज्यादा घने हो गए हैं। और यही नहीं, बारिश के कारण इनके वृक्षों पर काई भी जम गई है। इस जंगल में 122 से भी अधिक दुर्लभ प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं। यहाँ पर कई ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जिनकी तो कई प्रजाति विलुप्त होने वाली है। ये जंगल मुख्य रूप से चिली और अर्जेंटीना का हिस्सा है। नंबर 3, कॉन्गो फॉरेस्ट। ये तो आप जानते ही हैं कि अफ्रीका तो जंगलों का ही महाद्वीप है, लेकिन इसमें कॉन्गो बहुत ही ज्यादा भयानक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 20,23,000 और 428 किलोमीटर के वर्ग में फैला हुआ ये जंगल 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियों का घर है। कॉन्गो जंगल आकार में जितना ज्यादा विशाल है और उतना ज्यादा भयानक भी, क्योंकि यहाँ पर 1,000 से भी ज्यादा पक्षी और 500 से ज्यादा भी स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। खास बात यह है कि कॉन्गो जंगल से बहने वाली नदी में लगभग 500 से भी ज्यादा प्रजाति की मछलियाँ पाई जाती हैं, जिसमें कि पिराना नाम की मछली किसी भी इंसान को कुछ मिनटों में ही खत्म कर सकती है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि इस जंगल को शराब दिया गया था और जिसके बाद से ही यहाँ पर अक्सर ही पैरानॉर्मल घटनाएं होती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जंगल अक्सर ही अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को लेकर बहुत ही ज्यादा चर्चा में बना रहता है। कई लोग मानते हैं कि इस जंगल में 14-15 भूतों का बसेरा है, जिसमें से कि रेड लेडी सबसे ज्यादा मशहूर है, जो कि 12वीं सदी में किसी वजह से यहाँ पर मर गई थी। यही वजह है कि इस जंगल से रोजाना रात में चिल्लाने की आवाज आती है और इस वजह से जंगल में कोई भी जाने से कतराता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस जंगल में कोई ना गया हो, बल्कि एक बार बहुत ही सारे लोगों ने इस जंगल में जाने की कोशिश की थी, लेकिन उनमें से कभी भी कोई भी वापस नहीं आया। बताते हैं कि सबकी मौत हो गई थी। नंबर 2, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। ये जंगल लगभग 70,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस जंगल को जंगलों का राजा और जानवरों का स्वर्ग कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। पेरू, ब्राजील, कोलंबिया, बोलीविया, इक्वाडोर, सुरीनाम, गुआना, वेनेजुएला आदि देशों में फैला हुआ है। ये जंगल करोड़ों पक्षी और खुखार जानवरों का घर है। अमेजोन के जंगल में अमेजोन नदी भी मौजूद है और ये भी कहते हैं कि यहीं पर ही दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा निवास करता है। इस जंगल में बिना सुरक्षा के घूमना मौत को दावत देना जैसा है, क्योंकि ये जंगल इंसानों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जंगल के अंदर हमेशा से ही कम लोग ही बसे थे, क्योंकि यहाँ पर खेती करना बिल्कुल भी संभव नहीं था। यहाँ पर आबादी भले ही बस गई हो, लेकिन वो आबादी यहाँ पर जानवरों की वजह से अधिक समय तक नहीं टिक पाती थी। 1500 ईस्वी में अमेजोन के जंगल में करीबन 5 मिलियन लोग रहते थे। इनकी जनसंख्या 1900 तक करीबन 10,00,000 तक रह गई थी। और बताते हैं कि इस जंगल की वजह से इन लोगों की मौत रहस्यमयी तरीके से होती रही और कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट ना होने की वजह से इनके अपने सभी लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। अगर दोस्तों आप सच में ही एडवेंचर के शौकीन है तो इस जंगल के बाहरी क्षेत्र में घूम सकते हो, लेकिन जंगल के अंदर कभी भी मत जाना। नंबर 1, टाइगर फॉरेस्ट। ये जंगल दुनिया के सबसे बड़े जंगल में से एक है। ये जंगल एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका तक फैला हुआ है। ये जंगल 1,20,00,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, यानी कि भारत और चीन दोनों का जितना क्षेत्रफल है, उससे कई ज्यादा क्षेत्रफल इस जंगल का अकेले ही है। स्वर्ग की तरह नजर आने वाला ये जंगल अंटार्कटिक महासागर में भी मौजूद है। इस जंगल का ज्यादातर हिस्सा जो है वो उत्तरी ध्रुव से लगा होने के कारण
यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड होती है। इसके कई हिस्से में तो हमेशा बर्फबारी होती रहती है और यहाँ का बहुत ही खूबसूरत मौसम भी होता है, लेकिन इसी वजह से यहाँ पर पशु और पक्षियों की बहुत कम ही प्रजाति पाई जाती है और यहाँ पर 4 या 5 प्रकार के पेड़ ही पाए जाते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर ज्यादा बर्फ गिरती है तो फिर आप सोच ही सकते हैं कि वहाँ पर कोई आम पेड़ नहीं उग सकते। इस जंगल में रशिया के साइबेरिया का अधिकांश हिस्सा भी शामिल है। आपको देखने में ये जंगल भले ही सुंदर लग सकता है, लेकिन असल में ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि इस जंगल में बहुत ही सारे ऐसे खतरनाक और जहरीले जीव रहते हैं जो कि कुछ मिनट में ही आपकी जान ले सकते हैं। और शायद यही कारण है कि बहुत ही कम लोग इस जंगल में जाने का दम दिखा पाते हैं। अगर दोस्तों आपको जाना हो तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ये जंगल आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही। अगर आपको ऐसी ही और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।